हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं मथुरा के पेड़े। बिल्कुल कम टाइम में बनाएंगे पर टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल जैसे पेड़े होते हैं मथुरा के, वैसे ही टेस्ट आएगा। ऐसे तो पारंपरिक तरीके से बनाएं तो दूध को पहले उबाल उबाल के जलाया जाता है, खोया बनाया जाता है, फिर खोया को भून भून के बिल्कुल ड्राई और ब्राउन होने तक पकाया जाता है, तब जाके पेड़ा बनाया जाता है। पर यहाँ पे हम बिल्कुल कम टाइम में, बिल्कुल इजी वे में बनाएंगे, हर कोई बना सकता है ये। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। गैस ऑन करेंगे, पैन ले लिया है, पैन को गर्म होने देंगे। पैन हमारा गरम हो चुका है, 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का सा मेल्ट हो जाने देते हैं। गैस को मैंने बिल्कुल लो पे कर लिया है, पूरे टाइम हमें गैस को लो पे ही रखना है। 2 कप मिल्क पाउडर लिया है, ऐड कर लेंगे। अब हमें मिल्क पाउडर को लगातार चलाते हुए भूनना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है चलाना, नहीं तो तले से लग जाएगा, जल जाएगा तो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत है पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे प्रेस करते हुए भूनेंगे, घी के साथ जो मिक्स हो रहा है तो गुठलियाँ बन रही है, तो गुठलियों को ऐसे प्रेस कर करके फोड़ते रहेंगे। इस वाले पैन में मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, ये न्यू पैन है तो स्टिकर का जो गम है वो ठीक से हटा नहीं है। कई बार मैं साफ़ कर चुकी हूँ पर फिर भी इसमें चिपक रहा है, इसलिए मैंने दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है मिल्क पाउडर को। गैस का फ्लेम लो पे ही रखेंगे और लगातार ऐसे प्रेस कर कर के चलाते हुए भूनेंगे मिल्क पाउडर को। लगातार ऐसे प्रेस कर कर के भूनेंगे ताकि गुठलियाँ ब्रेक होती रहे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी भून जाता है, ब्राउन होने लग जाता है। फिर से 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है। अभी तक मैंने 3 चम्मच घी ऐड किया है, 1-2 बार और ऐड करूँगी। लगातार ऐसे प्रेस करते हुए भूनना है हमें मिल्क पाउडर को। फिर से 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए भूनेंगे। फिर से घी ऐड कर लेंगे। टोटल मैंने 5 चम्मच घी ऐड किया है, अब घी ऐड नहीं करेंगे। अब लगातार चलाते हुए भूनेंगे कलर चेंज होने तक। प्रेस कर करके भूनेंगे, आप देख पा रहे होंगे मिल्क पाउडर का कलर चेंज होने लग गया है, हल्का सुनहरा कलर आ गया है। हमें डार्क कलर आने तक भूनना है मिल्क पाउडर को। आप देख पा रहे होंगे पहले से भी ज़्यादा डार्क कलर हो गया है मिल्क पाउडर का। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है मिल्क पाउडर की गुठलियों को ब्रेक करना। ये हार्ड हार्ड से हैं तो इसको लगातार ऐसे प्रेस कर कर के फोड़ते हुए भूनना है मिल्क पाउडर को। बीच में अगर आपको लगे कि ऐसे प्रेस करते हुए तले से लगने लग गया है मिल्क पाउडर, तो बीच में 1-2 बार कढ़ाई को गैस से उतार के तब इन गुठलियों को तोड़ने की कोशिश करें। थोड़ी देर और भून लेंगे। सबसे ज़्यादा मेहनत मिल्क पाउडर की गुठलियों को तोड़ना ही है, ये बिल्कुल हार्ड हार्ड सी गुठली है। गैस को मैंने पूरे टाइम पे लो पे ही रखा हुआ है, आगे भी लो पे ही पकाएंगे मिल्क पाउडर को। पाउडर का कलर बिल्कुल डार्क हो गया है। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे 1/2 कप दूध लिया है, ऐड करेंगे। एक बार में पूरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। दूध ऐड करने से मिल्क पाउडर का कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है,
तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी का दूध ऐड करेंगे और पहले की तरह ही ऐसे प्रेस करते हुए भूनना है। बाकी का दूध भी ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे, लगातार चलाते हुए ऐसे प्रेस करते हुए हमें मिल्क पाउडर से दूध की नमी सूखने तक भूनना है। बिल्कुल दूध अच्छे से सूखने तक भूनना है। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल खोए के टेक्सचर में आ गया है। जैसे हम दूध जला जला के खोए को भूनते हैं वैसे ही टेक्सचर में आ चुका है। ये फिर से पहले की तरह ड्राई हो चुका है, क्रम्बली टेक्सचर में आ चुका है। गैस को ऑफ कर लेंगे, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे भुने हुए मिल्क पाउडर को, फैला देंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। पेड़े का मिश्रण ठंडा हो चुका है पर ये बहुत ज़्यादा क्रम्बली टेक्सचर का है तो ऐसे में पेड़ा नहीं बन सकता है और हाथ से मैश करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पेड़े का मिश्रण मिक्सी जार में डालेंगे, दो बैच में पीसेंगे, एक बार में नहीं पीस पाएगा। ढक्कन लगा के पीस लेंगे इसको। पेड़े के मिश्रण को मिक्सी जार में रख के मैंने पीस लिया है अच्छे से। यहाँ पे मैं हाफ कप शुगर पाउडर ले रही हूँ। आप शुगर पाउडर की जगह पे तगार, जिसे बूढ़ा भी कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ कप ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, यहाँ पे मैंने जायफल ले लिया है, नटमेग भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा घिस के डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 पिंच जितना। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। शुगर पाउडर ऐड करते टाइम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है पेड़ा का मिश्रण बिल्कुल भी गर्म ना हो। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, पेड़ा बना के देख लेते हैं। यह अच्छे से बन रहा है, पेड़ा अच्छे से बन रहा है। अगर आपको फिर भी लगे कि पेड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर ले। ऐसे होगा नहीं क्योंकि हमने जो मिक्सी जार में पेड़ा के मिश्रण को पीसा है तो उसमें काफ़ी घी रिलीज हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे हाथ में भी घी आ रहा है। जो मथुरा के पेड़े होते हैं उसका कोई शेप नहीं होता है प्रॉपर, वो आड़ा तिरछा गोल भी होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोई प्रॉपर शेप दें, आपको जैसा मन हो वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप शुगर पाउडर ले लिया है। पेड़े को ऐसे शुगर पाउडर में लपेट लेंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे। फिर से हाथ में मिश्रण लेंगे, पेड़ा बनाएंगे। बिल्कुल आसानी से बन रहा है ये। शुगर पाउडर में लपेट लेंगे, बस ऐसे ही सारे पेड़ा तैयार करके शुगर पाउडर में लपेट के प्लेट में रखते जाएंगे। हमारा मथुरा का पेड़ा बिल्कुल 15 मिनट में बन के रेडी है। बिल्कुल मथुरा के पेड़े का टेस्ट आ रहा है इसमें, मैंने टेस्ट करके देखा है इसको। आप भी इस तरीके से एक बार मथुरा के पेड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।